धनबाद लोकसभा सीट से भाजपा और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। धनबाद लोकसभा से वर्तमान में भाजपा में से सांसद पशुपति नाथ सिंह हैं। लगातार तीन बार से सांसद पशुपति नाथ सिंह भाजपा से जीत हासिल किए हैं, लेकिन वर्तमान सांसद की उम्र अधिक होने के कारण इस बार टिकट नहीं देने की प्रबल आशंका जताई जा रही है। वहीं धनबाद से इस बार भाजपा के आधा दर्जन नेता दावेदारी कर रहे हैं, जिसमें प्रदेश कार्य समिति सदस्य रागिनी सिंह के नाम पर भी टिकट देने की चर्चा की जा रही है। रागिनी सिंह झरिया पूर्व विधायक कुंती सिंह की बहू व झरिया पूर्व विधायक संजीव सिंह की धर्मपत्नी है। झरिया विधानसभा सीट के लिए अपनी तैयारी जोर शोर से कर रही हैं। पिछले तीन साल से राजनीति में सक्रिय होकर काम कर रही हैं। वहीं जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र में भी दौरा कर रही हैं। धनबाद में सिंह मेंसन नामी घराने में आता है। राजपूत जाति के साथ मजदूरों ने अच्छी पकड़ इस घराने की है। वहीं भाजपा की झरिया विधायक पूर्व विधायक कुंती सिंह अपनी बहू रागिनी सिंह को धनबाद लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाने की अपील भाजपा केंद्रीय प्रदेश नेता से अपील कर रही हैं। कुंती सिंह ने कहा कि लंबे समय से उनका परिवार भाजपा की सेवा कर रहा है। जब जब पार्टी ने भरोसा उनके परिवार में किया, तब तब पार्टी के भरोसे को कायम रखा है। उनकी बहू भाजपा पार्टी के लिए सक्रिय होकर काम कर रही हैं। जनता के हर सुख दुख में काम कर रही हैं। प्रदेश नेता बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री से आग्रह है कि रागिनी सिंह पर भरोसा कर धनबाद लोकसभा का उम्मीदवार बनाए। वहीं कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह ने कहा कि इस बार उम्मीदवार अस्थानीय होगा। भाजपा के वर्तमान सांसद के लिए धनबाद के लिए कुछ नहीं होगा। एयरपोर्ट एम्स यहां होना चाहिए था, लेकिन तीन बार सांसद होने के बाद भी यह नहीं हो सका। धनबाद से नई ट्रेन नहीं मिली, जो ट्रेन चल रही थी वह भी बंद हो गई है। अनुसार तो प्रत्याशी रागिनी सिंह को मिलना चाहिए, और जिस तरह से वो मतलब दिन हो रात हो, अगर कोई भी जनता का पॉली का अगर फोन आ जाता है कि हम इस दुख में है, तकलीफ में, तो वो पहुंचती है उसी समय, और जितना हो सकता है उतना हर समय मदद के लिए तैयार है। तो वैसा प्रत्याशी होना चाहिए, और ये नहीं कहती है कि अच्छा कल आएंगे। अरे बुखार लगा है आज किसी को, तो कल दवाई देने से नहीं ना होता है। तो वो उसी समय वो पहुंच जाती है पब्लिक के पास, जनता के पास, जो भी कष्ट में है। तो उस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए। प्रदेश के नेता जो हमारे बाबूलाल मरांडी जी हैं और अर्जुन मुंडा जी हैं, तो ये लोग से हम यही कहना चाहते हैं कि उन लोगों को पता भी है कि जो पार्टी के लिए जो भी मेहनत करना है, हम भी विधायक रहे तो किए, संजीव भी रहा तो किया, और आगे रागिनी सिंह आई है। तो प्रदेश के नेता से हम यही बोलना चाहेंगे कि हमारे पक्ष में पूरे धनबाद की जनता है और समर्थन देगा धनबाद की जनता। तो उस समय रागिनी को समर्थन देना चाहिए, बाबूलाल मरांडी जी को मदद करना चाहिए, अर्जुन मुंडा जी को मदद करना चाहिए, और वहां जो मोदी जी हैं और अमित शाह जी हैं, उन लोग से भी हमें ही आग्रह करते हैं कि अगर जनता के हित में काम कराना है तो रागिनी सिंह को टिकट मिलना चाहिए। प्रदेश के नेता लोग हैं, केंद्र का है, इतना भरोसा है कि रागिनी सिंह को मौका दे के देखे। जिस तरह से 15 वर्षों में से कोई जनता के लिए कोई काम नहीं हुआ,
आपने देखा कि हर जगह छोटे छोटे बिहार में एयरपोर्ट हर जिला में हो गया है, लेकिन धनबाद ऐसे जगह में जहाँ की सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है, एक एयरपोर्ट नहीं हुआ। आप 20 साल 25 साल में लगता है कि एक भी नई ट्रेन यहाँ से नहीं खुली, और नई ट्रेन का तो बात छोड़ दीजिए, जो यहाँ से दुरंतो ट्रेन थी, दो दो दुरंतो थी, वो एक ट्रेन को निशिकांत दुबे ने जसीडी होकर कर दिया। तो हम ये ज़रूर कहेंगे कि राजनेताओं की उदासीनता के चलते जो हमारी ट्रेनें थी वो भी छीनी जा रही हैं। तो हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का यहाँ से सांसद बने अच्छे व्यक्ति को, हमने प्रभारी से भी अध्यक्ष से भी बोला है कि जो जो भी उम्मीदवार बने वो क्षेत्र का होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, और हम सब मिल करके जिताने का काम करें। चूँकि भाजपा की सरकार है, अगर कांग्रेस पार्टी या जीएमएम के लोग, आरजेडी के लोग अगर कुछ करते हैं, आंदोलन भी अगर करेंगे, तो उनको झूठा केस कर करके उनको फंसा दिया जाता है। इसलिए हमारे जो भी सांसद हैं पार्लियामेंट में उठाए हैं कि धनबाद ऐसे जगह में, झारखंड में जो होनी चाहिए थी सुविधा रेल की, वो नहीं हो पाई। हम ढुल्लू महतो की कोई व्यक्तिगत टिप्पणी हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस में जिस तरह के विधायक और सांसद हैं, आप ये बताइए कि कितने सांसदों और विधायक पर यहाँ कोई आपराधिक मामला चल रहा है, कोई उस तरह के अपराधी हैं। आप धनबाद का ही बताइए ना कि कौन कांग्रेसी नेता कोई अपराधी है। लोकसभा में मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जिसको भी टिकट देगा स्थानीयों को देना होगा, और इस बार देखिएगा स्थानीय कोई टिकट मिलेगा। खुल गया खुल गया खुल गया नेचर व्यू फैमिली रेस्टोरेंट, जहां सभी तरह की वेज एंड नॉन वेज की कई वैरायटी उपलब्ध है। सुंदर मनमोहक प्राकृतिक नजारों के बीच आनंद ले अपने फेवरेट खाने का। यहां डेस्टिनेट मैरिज पार्टी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट सेरेमनी आदि के लिए भी आ सकते हैं। तो पूरी हमारा पता है नियर खंडोली पार्क, गिरिडीह, झारखंड। हमें संपर्क करें अविनाश अंशु, मोबाइल नंबर 8789905694।